हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स मेडिज ओडिशा। आज मैं जून 2019 सीएसआर नेट का फिजिक्स पार्ट बी का कुछ आंसर लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड है क्वेश्चन फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर दिया था अबव में, और उसका पूछा गया था डी एक्सेलरेशन कितना पूछा गया था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन सी 100 g। 100 g उसका राइट आंसर। तो 21 क्वेश्चन 3 राइट आंसर। उसके बाद चलिए 24 देखते हैं। 24 का जो पार्टिकल दिया है पोटेंशियल बाय के पावर 4, उसको निकालिए। टाइम पीरियड पूछा गया था, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, 24 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोपोर्शनल टू ए इनवर्स। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये पार्टिकल मूविंग इन अ सर्टेन पोटेंशियल दिया था, डिस्क्राइब वेव फंक्शन दिया था साईआर जेड फायर। उसका पूछा गया था एल स्क्वायर जानते हैं एच क्रॉस एल इन टू एल प्लस वन का रूट ओवर। तो उसका ऑप्शन 2 एच क्रॉस स्क्वायर, ऑप्शन ए 21 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1 ऑप्शन 2 एच क्रॉस स्क्वायर। उसका 29 दिया था एक डायमेंशनल बॉक्स दिया था, 1 डायमेंशनल बॉक्स दिया था, माइनस इन्फिनिटी दिया था। उसका रिप्रेजेंट वेव फंक्शन पार्टिकल का रिप्रेजेंटेशन उसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 को मार्क कीजिए, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं फिर और क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन। प्लेन वेयर था एंड साइडेड रेगुलर पॉलीगन था, आर इज द डिस्टेंस था, स्टेडी करंट आई फ्लोज हो रहा था, मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड कितना पूछा गया था। तो 30 का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, म्यू नॉट एन आई 2πr 10π/n। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन था ये 30 का 4। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये क्वेश्चन। द एलिमेंट ऑफ ए 3×3 मैट्रिक्स ए आर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रो एंड कॉलम इंडिसेस, ए इज आई इनटू जे। तो आइगेन वैल्यू ऑफ ए कितना पूछा है, इसका आंसर ऑप्शन सी 1400। ठीक है, 1400 से ऑप्शन 3 राइट आंसर। उसके बाद 36 दिखिए, द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया है, बाउंड्री कंडीशन दिया है, उसका सॉल्यूशन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन बाय एक्स ई पावर माइनस एक्स। उसका 37 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 0 to π dθ/5 + 4 cos θ, उसका आंसर π/3, ऑप्शन 4 डी π/3 इसका राइट आंसर। तो मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा, कोई बात नहीं। फिर देखते 38, इन ए सिस्टम कॉम्प्राइज अप्रोक्सीमेट 10 to 33 इन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल दिया है और डिस्टिंग स्टेट दिया है। तो उसका पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कितना पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एंट्रोपी पार्टिकल का आएगा 3 kb, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 38 का। ये पार्ट ए का क्वेश्चन था। और 39 में टेम्परेचर का दिया है और उसका फंक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर ऐसे वेरी करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मार्क कीजिए। उसका देखिए, द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट इनिशियल पी बी इक्वल टू आर टी आइडियल गैस इक्वेशन दिया है। लो टेम्परेचर में वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑप्शन 1/dv/dt पुट करने के बाद डाइवर्जेस होता है, 1/t के डाइवर्जेस होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 48 का। उसके बाद ये था, हैमिल्टन ने क्लासिकल नॉन लिनियर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर दिया था। तो पूछा गया था पैसिफिक हीट जानते हैं, एक लॉग ऑफ इक्विपार्टीशन हाफ केविटी एवरेज एनर्जी लेता है। तो उसके बाद एक ही क्वाड्रेटिक टर्म था, तो nkb/2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी को मार्क कीजिए राइट आंसर। उसके बाद 43 में देखिए, सिंगलर सिग्नल ऑफ द टाइप दिया है और रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है। तो उसका पावर डिसिपेटेड ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 21.5 वाट। ठीक है, राइट आंसर मार्क कीजिए। उसके बाद 45 देखिए, 45 का आंसर आएगा अगर पुट करेंगे तो सब डायग्राम में नॉर एंड ऑर गेट, नॉर एंड ऑर गेट, ऑप्शन बी। उसके बाद सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन के बाद मैं दूसरा वीडियो डालूंगा बी पार्ट का और सी पार्ट का भी। तो ये था हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन और आंसर वीडियो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।